हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन. सो आई वेलकम अगेन इन द सेशन ऑफ क्लास सेकेंड, सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर. एज यू नो दैट योर रिवीजन इज प्रोसीडिंग, सो दिस इज द रिवीजन लेक्चर 1 फॉर लेसन 4, लॉर्ड हनुमाना. एंड अलॉन्ग विद लॉर्ड हनुमाना आई एम टेकिंग the poem also that is left, that is road safety. So in this revision session today we will recall the lesson summary, the exercises of the lesson, and I will tell you how to attempt the test. So I think you will listen quietly, and the students who haven't completed the work, this is the right time to complete the work and revise and recall all the things. Now let's recall the summary with the help of few questions. Now, who was hungry? As you recall this lesson, you came to know that in the beginning Hanuman was hungry. When he gets up early in the morning, he was hungry. What he wants to eat? Hanuman kya khana chahta tha? He wants to eat fruits. He wants to eat fruits. Wo phal khana chahta tha. Who was the son of wind? Wind, hawa ka putra kaun tha? Hanuman was the son of wind. Who slapped Hanuman? Hanuman ko kisne slap kiya? The sun. The sun slapped the Hanuman. What did Hanuman wanted to do? Hanuman kya karna chah rahe the? Hanuman wanted to catch the sun. हनुमान किसको कैच करना चाह रहे थे? सन को. बिकॉज ही थिंक दैट सन वॉज अ ह्यूज फ्रूट. उनको ये नहीं पता था कि वो सन है. उनको क्या लगता था कि सन क्या है? एक बहुत बड़ा फल है. एंड एज ही वॉज हंग्री सो ही वॉन्ट्स टू ईट सन. सो ही फ्लाई अप इन द स्काई एंड वॉन्ट्स टू catch the sun and want to eat it. उन्होंने सन को खाना चाहा. And when he hold the sun, then the sun slapped Hanuman. तो हनुमान को किसने slap किया? सन ने. Who was in anger? गुस्से में कौन था? The sun was in anger. Because सन को क्यों गुस्सा आया? सन को इसलिए गुस्सा आया कि उनको ये बहुत ही अजीब लगा. इट वॉज वेरी स्ट्रेंज फॉर हिम दैट सम वन वॉन्ट्स टू ईट हिम, कि कोई उन्हें खाना चाहता है. हु होल्ड सन? सन को किसने पकड़ा? अभी मैंने आपको बताया था सन को किसने पकड़ा था? हनुमान. हनुमान होल्ड द सन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज वॉबली टूथ? किसका दांत हिला हुआ था? हनुमान्स टूथ वॉज वॉबली. वाई? बिकॉज सन स्लैप्ड हिम. सन ने किसको स्लैप किया था? हनुमान को. बिकॉज ही वॉन्ट्स टू लीव हिमसेल्फ फ्रॉम हनुमान. वो हनुमान से अपने आप को छुड़ाना चाहते थे. दैट्स वाई उन्होंने उसको स्लैप किया एंड पुश हिम. एंड दैट्स वाई हनुमान fall on the ground. What does Hanuman like? Hanuman ko kya pasand tha? Hanuman like rainbow, butterflies, etc. Hanuman ko rainbow aur butterfly pasand the. Who fell on the ground? Kaun ground pe gir gaya tha? Hanuman. Hanuman fall on the ground. When he fall? When sun slapped him. जब सन ने उसको
स्लैप किया। सो आई थिंक आपको ये स्टोरी समझ आई होगी। आई एम टेलिंग यू इन हिंदी कि वट वॉज द स्टोरी। द स्टोरी वॉज लाइक दैट कि हनुमान को एक दिन भूख लगी। जब वो सुबह खड़े हुए उठे तो उनको भूख लगी, तो ही वॉन्ट्स टू ईट फ्रूट्स, वो फ्रूट्स खाना चाहते थे। बट ही फाइंड नथिंग टू ईट, परंतु उन्हें कुछ भी खाने के लिए नहीं मिला। एंड ही फ्लाई अवे इन द स्काई एंड होल्ड द सन एंड वॉन्ट्स टू ईट सन, और वो अब सन को खाना चाह रहे थे। बट ये देखकर सन को गुस्सा आया एंड सन स्लैप्ड हिम, स्लैप्ड हनुमान एंड पुश हिम ऑन द ग्राउंड। और उन्होंने सन को, सन ने जो है हनुमान को पुश कर दिया ग्राउंड पे और एक स्लैप लगा दिया, जिससे क्या हुआ, हनुमान जी का चीक्स जो थे वो स्वेलो हो गए, रेड कलर के हो गए। एंड फ्रॉम देन एंड देयर, वहीं से हनुमान जी का मुंह जो है वो स्वेलन लगने लग गया। एंड हिज टीथ वॉज वुबली, और उनके दांत भी हिलने लग गए। सिंपली दिस इज द स्टोरी, आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ लेट्स रिकॉल द वर्ड मीनिंग्स, और ये वर्ड मीनिंग्स उन बच्चों के लिए रिकॉल हो रहे हैं जिन्होंने अब तक नोटबुक में नहीं लिखे हैं। बच्चे वर्ड मीनिंग्स इसलिए कराए जाते हैं आपको ताकि आप लेसन को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें और आप क्वेश्चंस के आंसर इजीली दे सकें। सो हेयर आर द वर्ड मीनिंग्स। फर्स्ट यू हैव टू मेक फॉर्मेट लाइक दिस, लेसन 4, लॉर्ड हनुमान, वर्ड मीनिंग, नॉटी, NAUGHTY, नॉटी, नटखट, पफ्ड, फूला हुआ, क्राइड, चिल्लाना, स्वेलन, सूजा हुआ, फ्रीड, मुक्त कराना, स्मैक्ड, चूमना। सो आपको इनकी स्पेलिंग्स भी ध्यान रखनी है और आपको इनको अच्छे से नोट डाउन भी करना है। स्मैक्ड, चूमना, SMACKED, स्मैक्ड, चूमना, PLUMP, प्लम्प, मोटा, FLEW, फ्लू, उड़ना। टू मोर वर्ड मीनिंग्स आर देयर, एंगर, ANGER, एंगर, गुस्सा, वॉबली, अस्थिर, जो हिल रहे थे जैसा कि मैंने आपको बताया। नाउ लेट्स डिस्कस द एक्सरसाइज ऑफ द बुक। सो हेयर इज द एक्सरसाइज, मैच एंड कंप्लीट द फॉलोइंग। बेबी हनुमान वॉन्टेड टू ईट द सन, क्या खाना चाहते थे वो, सन, द राइजिंग सन। राइजिंग सन किस तरह लग रहा था हनुमान जी को, लुक्ड लाइक अ फ्रूट। द एंग्री सन, एंग्री सन कैसे लग रहे थे, रेड एंड हॉट, बट द एंग्री सन स्लैप्ड हनुमान। एंग्री सन ने क्या किया, हनुमान जी को स्लैप लगा दिया। हनुमान लाइट, अभी मैंने आपको बताया था कि हनुमान को क्या क्या पसंद था, सनशाइन, रेनबो एंड बटरफ्लाइज, हनुमान जी को ये सब चीजें बहुत पसंद थी। नाउ बी पार्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट डिड बेबी हनुमान सी इन द स्काई। सो आप क्वेश्चन का आंसर जो है क्वेश्चन से स्टार्ट कर सकते हैं। बेबी हनुमान, अब यहाँ क्या आ जाएगा, बेबी हनुमान सी इन द स्काई, क्या देखा उन्होंने, बेबी हनुमान सॉ, बताइए क्या देखा था, फ्रूट, फ्रूट इन द स्काई, उनको तो फ्रूट ही लगा था। बेबी हनुमान सॉ फ्रूट इन द स्काई, बट अगर आप सन भी लिख देंगे तो वो भी रॉन्ग नहीं होगा, आप यहाँ सन भी लिख सकते हैं। व्हाई डिड हनुमान वॉन्ट टू ईट द फ्रूट, हनुमान जो है वो फ्रूट क्यों खाना चाहते थे, हनुमान वॉन्टेड टू ईट द फ्रूट बिकॉज ही वॉज हंग्री। आप पूरा लिखेंगे, हनुमान
wanted to eat the fruit because he was hungry. Okay, now next one. Why was Hanuman strong? अब इस लेसन में बताया गया है कि हनुमान जी स्ट्रॉन्ग थे. सो वाई ही वॉज स्ट्रॉन्ग? ही वॉज स्ट्रॉन्ग बिकॉज ही वॉज सन ऑफ विंड. क्योंकि वो किसके पुत्र थे? विंड के. आप यहाँ हनुमान भी लिख सकते हैं. Hanuman was strong. Okay, so this is your third answer. Now come to the fourth one. What gives Hanuman the look of a monkey? Hanuman को बंदर जैसा जो है वो look किस लिए मिल गया? Hanuman look like a monkey because the sun slapped him. The slap given by sun changes the look of हनुमान. हनुमान का लुक किस लिए बदल गया? क्योंकि जो सन थे उन्होंने उसको स्लैप लगाया था. सो आई होप यू अंडरस्टैंड दीज क्वेश्चंस. लेट अस डिस्कस द डी पार्ट विच इज गिवन इन योर बुक. हनुमान इज टेलिंग हिज मदर हाउ हिज चीक्स बिकम स्वेलन. चूज द राइट वर्ड टू फिल द कंप्लीट व्हाट ही सेड. हनुमान जी ये स्टोरी अपनी मदर को बताते हैं कि उनका जो चीक्स हैं, उनके जो गाल हैं, वो कैसे सूज गए. सो आपको इसमें से राइट वर्ड्स चूज करने और लिखने हैं. यस्टरडे मॉर्निंग, इट वॉज मॉर्निंग व्हेन आई वॉक अप, जब मैं उठा. आई वॉज हंग्री, हनुमान जी क्या थे? हंग्री, भूखे थे. आई सॉ अ राउंड फ्रूट, हनुमान जी ने क्या देखा? एक राउंड गोल जो है फ्रूट इन द स्काई. कहाँ देखा? स्काई में. आई फ्लू, वो क्या करके गए? उड़के गए. टू इट, वो वहाँ तक उड़के गए. आई टुक द फ्रूट इन बोथ हैंड्स टू ईट इट, मैंने अपने दोनों हाथों में फ्रूट को ले लिया खाने के लिए. बट देन द फ्रूट ग्रू हॉट, और तब वो फ्रूट जो है वो हॉट हो गया, गर्म हो गया. विद एंगर, गुस्से से वो फ्रूट जो है वो लाल हो गया, गर्म हो गया. एंड फ्रीड इटसेल्फ, और अपने आप को छुड़ाना चाहा. आई इट गेव मी अ स्लैप, और उन्होंने मुझे क्या दिया? ए स्लैप ऑन माई चीक. एंड आई फेल डाउन, और इसलिए मैं नीचे गिर गया. ऑन द ग्राउंड ऑन अदर चीक, दूसरी चीक्स चीक की तरफ से मैं कहाँ गिर गया? ग्राउंड पे. सो माई चीक्स आर पफ्ड अप एंड स्वेलोड, और इसीलिए मेरे जो चीक्स हैं वो सूज गए और ऊपर की तरफ उठ गए. सो दिस इज द स्टोरी अबाउट दिस लेसन, एंड वी हैव डन द एक्सरसाइज ऑफ दिस लेसन. आई होप आपको ये लेसन अच्छे से समझ आया होगा और आपको ये रिकॉल भी करना है. नाउ इट्स द टाइम टू रिसाइट द पोएम रोड सेफ्टी. रोड सेफ्टी मतलब जब रोड पे जो आपको सावधानी करनी होती है. अप द स्ट्रीट आई लुक टू सी, जब मैंने गली में चलते हुए देखा. इफ एनी ट्रैफिक इज नियर मी, कि क्या कोई ट्रैफिक, कोई यातायात का साधन मेरे आसपास है. डाउन द स्ट्रीट आई लुक एज वेल, मैंने नीचे की तरफ भी स्ट्रीट में देखा, स्ट्रीट की तरफ देखा. एंड लिसन फॉर अ हॉर्न और बेल,
और मैंने क्या सुनना चाहा कि कोई हॉर्न या बेल तो नहीं आ रही है, बिल्कुल सुनाई तो नहीं दे रही है। देयर समथिंग कमिंग, वेट अ बिट, वो देखो उधर से कुछ आ रहा है, तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, वेट। इफ वी लिसन एनी हॉर्न और बेल तो वी हैव टू वेट। इफ आई रन आउट आई मे बी हिट, और अगर मैं भागकर रोड कर क्रॉस करने की कोशिश करूंगी तो मैं किसी चीज से टकरा जाऊंगी। बट नाउ द रोड इज रियली क्लियर, पर अब क्या है, रोड जो है वो बिल्कुल क्लियर है। नो कार नो मोटर बस इज नियर, कोई कार कोई मोटर बस जो है वो पास नहीं है। आई विल रन अक्रॉस द रोड सो वाइड, मैंने इतना चौड़ा रोड जो है वो खुद से क्रॉस कर लिया, हुर्रा, आई एम सेफ ऑन द अदर साइड। और खुशी का इजहार करते हुए मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं रोड की दूसरी तरफ हूँ और मैं सेफ हूँ। सो दिस इज द पोएम रिटन बाय एनिड बेलेटन एंड दिस इज अबाउट द रोड सेफ्टी। सो आपको भी रोड सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए कि आपको रोड पर सेफली चलना चाहिए। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पोएम एंड देर आर द राइमिंग वर्ड्स सी मी वेल बेल बिट हिट क्लियर नियर वाइड साइड एंड राइमिंग वर्ड्स आर सेम साउंड वर्ड्स। सो आई थिंक यू नो अबाउट द राइमिंग वर्ड्स ऑल्सो। नाउ लेट्स डिस्कस द वर्ड मीनिंग्स अगेन। पोएम रोड सेफ्टी, वर्ड मीनिंग स्ट्रीट गली, ट्रैफिक यातायात, नियर पास, बिट कुछ देर में, डाउन नीचे, लिसन सुनना, अक्रॉस आर पार, वाइड चौड़ा। टू मोर वर्ड्स आर देयर, वेट रुकना, सेफ सुरक्षा। Now in the last I just want to say the don'ts which you have to take care on the road. Do not run on the road, do not use phone while on the road, don't park in non-parking zone, don't drive fast, do not disobey road signs. So you have to obey the road signs also. Some do's also which you have to take care, always walk on the left side, look at both sides while crossing, listen to the horn and bells, hold hands of elders while you are moving on the road, wait if the traffic is there, use zebra crossing to cross the road. I will assign you assignment and I will give it on the EdQuark. As you know, we will discuss the things in the online class. Online class. So I hope you understand the lecture and be prepared for the answers in the online class. So thank you. Have a good day.